माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रामचंद्र सर नेहरू पब्लिक स्कूल रसूलाबाद। बच्चों, ये मेरी फर्स्ट ऑनलाइन क्लासेस क्लास टू से फाइव, दो से क्लास फाइव तक के बच्चों के लिए हिंदी ग्रामर है। देखिए, कोरोना की वजह से सारे विद्यालयों में सारे जगह ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो हम हमारे सरों के द्वारा अपने विद्यालय में भी ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आप लोग हर टॉपिक को ध्यान से वाच करें और देखें, समझें। देखिए, आज हिंदी व्याकरण, बहुत से छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बुकों में परिभाषाएं अनेक प्रकार की होती हैं, हम उन्हें रटते हैं। रटना नहीं, समझना। जैसे लिखा है, हम लोग कहीं जाते हैं, कोई हमसे सज्जन व्यक्ति पूछ देता है, बेटा ये बताओ व्याकरण किसे कहते हैं, तो हम हिचकिचा जाते हैं, नहीं आंसर दे पाते हैं। तो हिचकिचाने की बात नहीं है, समझेंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप विधिवत दे सकते हैं। देखिए, जैसा कि अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और कोई सज्जन आपसे पूछ देता है, बेटा बताओ व्याकरण क्या है, तो हम व्याकरण को जाने है क्या व्याकरण। उसके बाद लिखा है, किसी भी भाषा का शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना तथा बोलना आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। वो भाषा कोई भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है, उर्दू, फारसी, अनेक प्रकार की भाषाएं हो सकती हैं। यदि हम उनको सही से लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाते हैं, तो हम एक व्याकरण के दायरे में आ जाते हैं। तो अगर परिभाषा पूछी जाए, जरूरी नहीं कि इससे परिभाषा यही रखनी है, आप ऐसे बता सकते हैं, किसी भी भाषा का हमें सही तरीके से पढ़ना, बोलना, लिखना आ जाए, वही हमारी व्याकरण है। ओके, चलिए आगे देखिए। जब इसमें हम भाषा की बात आती है, अब भाषा नहीं जानते, भाषा क्या होती है, कोई पूछ दे भाषा क्या है, तो हम नहीं आंसर दे पाते, लेकिन अब देंगे आंसर, समझेंगे। भाषा अगर कोई पूछता है भाषा क्या है, तो हम कह सकते हैं, भाव या विचारों को संप्रेषित करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाव या विचारों मतलब व्यक्ति के अंदर जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, उनको हम दूसरों तक कैसे भेजते हैं, कैसे उन्हें बताते हैं, जो उनके बीच में जोड़ने का माध्यम है, वही हमारी भाषा है। हमारे अंदर कोई विचार है, उसको हम लिख कर, बोल कर, संकेत के द्वारा दूसरों को बताते हैं, दूसरा हमारी बात को समझ जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि हमने किसका प्रयोग किया है, भाषा का। सामने वाला हमारी बात को समझ जाता है, वो और आपके बीच जो माध्यम का काम कर रहा है, वही हमारी भाषा है। तो प्यारे बच्चों, इसको और इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन, भाव या विचारों को संप्रेषित करने के माध्यम को भाषा कहते हैं, अर्थात आपकी बुकों में अन्य परिभाषा लिखी होगी, ये दो व्यक्तियों को जोड़ने के माध्यम को भाषा कहते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, भाषा संस्कृत के भास धातु, कौन सी धातु, भास धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अब हम लोग व्याकरण भाषा पढ़ चुके हैं, भाषा के प्रकार पढ़ेंगे, भाषा क्या, कितने प्रकार की होती है। एक परिभाषा हमने लिखी है आपके सामने, इसी से रिलेटेड दूसरी परिभाषा है। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, भाषा के तीन प्रकार होते हैं, अनेक विद्वानों के द्वारा तो दो ही भाषाएं मानी गई, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, एक तीसरी भाषा और है संकेतिक भाषा, लेकिन हम छोटी क्लास में है तो ये तीनों भाषाओं को समझेंगे। भाषा के तीन प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और संकेतिक भाषा। अब मौखिक भाषा क्या है, भाषा की जब हमें परिभाषा याद होगी, तो हम मौखिक माने मुख से बोलकर, अर्थात जब हम अपने भाव या विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, कोई वक्ता अच्छे से भाषण देता है, तो वो किस भाषा का प्रयोग करता है, मौखिक भाषा का। आपस में हम अपने गुरुओं के बीच
अपने माता पिता के बीच, अपने भाई बंधुओं के बीच जब हम वार्तालाप करते हैं तो उस वार्तालाप के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो होती है मौखिक भाषा। अब बात आती है लिखित भाषा की, बिल्कुल परिभाषा सेम रहेगी, सेम कंडीशन रहेगी, लेकिन थोड़ा चेंज होगा। क्या? जहां हम लिखते हैं बोल कर, वहां हम क्या लिख देंगे? लिख कर। क्या लिख देंगे? लिख कर। और यहाँ पे अब लिखित भाषा में हम पत्र लेखन अर्थात बता सकते हैं कि जब हम अपने भाव विचारों को लिख कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो हम उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब जैसे लिखित भाषा में आ जाएगा पत्र लेखन, डायरी आदि जो एग्जाम्पल है इसके लिखित भाषा के। और जो हमारी तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है आप लोग समझेंगे, जब हम अपने भाव विचारों को दूसरों के सामने संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा प्रकट करते हैं तो हमारी सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे आपके घर में कोई गूंगा व्यक्ति आ गया और उसने कह दिया तो आप तुरंत समझ जाते क्या मांग रहा है? पानी। उसने केवल इशारा ही तो किया और आप उसकी बात को समझ गए, तो आप जिस भाषा का उसने प्रयोग किया वो हमारी कौन सी भाषा है? संकेतिक भाषा। तो ये बच्चों आज हम लोगों ने व्याकरण, भाषा, भाषा के प्रकार, ये हम सब एक अच्छी सी कॉपी बनाएंगे उसमें अच्छी राइटिंग में लिख के क्रमबद्ध तरीके से। ये पहली क्लास है हमारे छोटे बच्चों 2 से 5 तक के, इसे अपनी कॉपी नोटबुक बनाएंगे। ऐसे में आप ये भाषा के बाद लिपि आएगी, लिपि के बाद अब भाषा और बोली आएगी, फिर भाषा और बोली में अंतर क्या होता है इन सारी डिस्कस को करेंगे। उसके बाद जो आगे प्रक्रिया चलती है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक विचार, जो हमारी वर्णमाला जिसमें आती है वर्ण विचार होते ही सारी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, मैंने भाषा के प्रकार बताए थे जिसकी पहली परिभाषा मैंने मौखिक भाषा की लिख दी थी। आप लोग अधिकांश बच्चे लिख लेंगे और समझेंगे। जो बच्चे हमने कहा था इसी से रिलेटेड अन्य परिभाषाएं जो हैं तो वो भी मैंने आपके ऊपर यहाँ पे लिख दी हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और जहाँ पे प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकें। ओके।